हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आदित्य। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल NBM टेक में। तो आज हम करेंगे इस तरह की फोटो एडिटिंग। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जो भी मैं इस वीडियो में बैकग्राउंड PNG सब यूज़ कर रहा हूँ, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब मेरे वेबसाइट से। तो गाइज, मैंने कम्प्लीटली इरेज कर लिया अपना बैकग्राउंड, तो आप भी कर लेना। अरे मैं नहीं हूँ, पहले बात देता हूँ, कमेंट मत करियो कि मैं वो है, ये है। ये सिर्फ मतलब तुकीर भाई का है, तुकीर भाई तो आप जानती है। सिंपली आपको सेव कर लेना है। फिर मैंने सेव कर लिया, फिर आपको बैकग्राउंड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फुल HD बैकग्राउंड है गाइज, और ये मैंने खुद से क्रिएट किया है, वो आपको गूगल या क्रोम पे नहीं मिलेगा। या बड़ी मेहनत से किया है, शेडो वेडो सब कुछ बना के रखा है, देख सकते इधर सब कुछ बना के रखा है। तो फिर ऐड फोटो में जाके ने अभी जो हमने क्रॉप किया था उस मॉडल का फोटो लोड करेंगे। ऐसे सिंपली अब करना है, सेट हुआ है, देखना है, ढंग से सेट करना है, क्योंकि जब हम इस सेट करेंगे ना, तभी हमारा जो डिपेंड होगा रियल लगता है क्या फेक लगता है। तो इधर से रियल लग रहा है, बराबर लग रहा है, ऐसे डन डन। फिर ऐड फोटो में जाएंगे, फिर हमें ये वाला सॉरी कहा गया, अरे इधर ही तो सन ग्लासेस का PNG लो ना, इधर है। तो सन ग्लासेस का PNG लोड करना है, वो भी लुक देगा हमारे इस फोटो एडिटिंग में। स्मॉल करके यहाँ डाल देंगे, फिर ऐड फोटो में जाएंगे, फिर जो हमारा वॉच का PNG है वो लोड करना है। वॉच का PNG किधर है भाई, इधर ही तो था। तो गाइस, मुझे वॉच का PNG मिल चुका है। सिंपली आप ऐड फोटो पे क्लिक करके इसे ऐड कर दिए, फिर स्मॉल किए, स्मॉल यहाँ रख दीजिए, फिर यहाँ से डन। फिर जाएंगे ऐड फोटो में, फिर ये वाला शाइन देगा, फिर इसे रोटेट करना है वीडियो को, मतलब इसे रोटेट करके इसे स्मॉल करना है, ये इधर लगा के ब्लेंड पे जाके स्क्रीन करना है, इधर लगा के ऐसे राइट करना है। फिर ऐड फोटो वही करेंगे सेम स्टेप उस वाले ग्लास के साथ, हम लेफ्ट किया अब राइट से करने वाले हैं। जिसे कर लेता हूँ मैं, फिर जाएंगे ऐड फोटो में, फिर हम अपना वही ऐड करेंगे। अब हम वॉच के ऊपर शाइन लगाएंगे, पहले ब्लेंड कर लेता हूँ तो आसानी होगी ना। जल्दी से फटाफट से कर लेता हूँ, फिर ऐसे डन। फिर आपको जाना है ऐड फोटो में, अब हम अपना सिगरेट का बेंज ऐड करेंगे, ये गिरते हुए, यही कॉन्सेप्ट है हमारा। अरे क्या हो गया, फिर से ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा प्रॉब्लम हैंग हो रहा है यार, सैमसंग वाले भी ना अपने हिसाब से सेट करना है, ऐसा लगना चाहिए आप कैच कर रहे हो उसे। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर यहाँ से डन, फिर हमें अपना स्मोक का एक पीएनजी लोड करना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और वर्क ना होता है तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से ये डाल दूँगा और एक बार उस लिंक प्रोवाइड कर दूँगा अगर ना वर्क करे तो। फिर इसका लोड करना है, फिर आपको ब्लेंड पे जाके स्क्रीन करना है, ऐसा करना है, इरेज पे जाके ना ऐसा तो हल्का सा इरेज मारना है, हल्का सा मार के जैसे डन करना है। फिर जाएंगे ऐड फोटो में, फिर वही स्मोक को ऐड करेंगे, फिर इधर ऐड करेंगे, ब्लेंड के जाके स्क्रीन करना, फिर यहाँ से डन हो चुका है। और फिर से ऐड करेंगे और एक पीएनजी, इधर गया ये वाला, ये भूतिया शक्ल वाला, फिर ब्लेंड करेंगे, फिर इधर से राइट, तो हर राइट गाइस तो बन चुकी है हमारी, सब ये कर चुका हूँ। तो इधर थोड़ा इधर स्मोक रह गया, इसे कुछ मत कीजिए, वैसा ही रहने दीजिए। फिर एरो मार्क से सेव कीजिए। अब हम लाइट रूम में सब कुछ करेंगे, लाइट रूम बाबा को ओपन कर लिया हमने। फिर हम थोड़ा कलर एडिटिंग करेंगे थोड़ा बहुत। फिर सबसे पहले तो आपको ये थोड़ा ये करना है, फिर ब्राइटनेस ये जाके एक्सपोज को हल्का सा बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना। फिर कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा बढ़ाना, फिर हाइलाइट्स को भी थोड़ा बढ़ाना, फिर शेडोज़ को 42 करना है, वाइटनेस को 29, ब्लैक को -1। तो फिर टेम्परेचर में जाके टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाना है, 1 पे रखना है, फिर टिंट को थोड़ा बढ़ाना है, वाइब्रेशन को 30 कर देना, फिर सैचुरेशन 10, फिर नीचे जाके टेक्सचर को 11 कर देना, क्लियरिटी को 15, अन्नी 33 करना है, और डीएज को 40, फिर 3 डॉट पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस।